आंखों में सपने लिए लोग छोटे शहरों से बड़े शहर आते हैं। किसी को माया नगरी की चमक धमक से प्यार हो जाता है तो कोई कामयाब होकर भी लाइमलाइट का दामन छोड़कर दीन धर्म की राह पर निकल पड़ते हैं। तो चलिए आज की हमारी इस खास पेशकश में हम आपको इंस्टास के बारे में बताते हैं। अनु अग्रवाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनु अग्रवाल ने फिल्म आशिकी से रातों रात शोहरत हासिल की थी। कुछ समय बाद एक्ट्रेस ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया और आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ी। उनके इस फैसले ने सभी को चौंका दिया था। जायरा वसीम। दंगल एक्ट्रेस जायरा वसीम को सीक्रेट सुपरस्टार और द स्काई इज पिंक सहित कई फिल्मों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सभी से सराहना मिली थी। जायरा ने एक पोस्ट करते हुए जानकारी दी थी कि वो एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह रही हैं। जायरा के इस कदम से जहां कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे थे। बरखा मदान। मिस इंडिया 1994 की फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट रह चुकी हैं बरखा। बरखा ने बॉलीवुड की कई शानदार फिल्मों में अभिनय किया और पर्दे पर खास छाप छोड़ी, लेकिन साल 2012 में उन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया और वो बौद्ध धर्म की नन बन गई। बरखा मदान को बौद्ध धर्म ने काफी प्रभावित किया था, तब से वो नन के तौर पर जिंदगी जी रही हैं। और बरखा ने अपना नाम भी बदल कर जायलसिन सैम्पटन रख लिया। सोफिया हयात। एक्ट्रेस सोफिया हयात एक आध्यात्मिक गुरु बन गई हैं। हालांकि उनके इस फैसले के बाद फैंस भी हैरान रह गए थे। एक्ट्रेस ने अपना नाम सोफिया से बदलकर गाया सोफिया मदर रख लिया। सना खान। एक्ट्रेस सना खान ने शोबिज इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया और कहा कि वो इस्लाम की शिक्षाओं से प्रभावित हुई हैं, इसलिए ये फैसला ले रही हैं। ये फैसला एक्ट्रेस ने बीते साल लॉकडाउन के दौरान लिया था। और इतना ही नहीं, सना ने इस्लामिक स्कॉलर गुजरात के मुफ्ती अनस से निकाह कर लिया। सना अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने फॉलोअर्स को इस्लाम की जानकारी देती रहती हैं। साकिब खान। रोडीज रेवोल्यूशन के प्रतियोगी साकिब खान ने हाल ही में सभी को सूचित किया कि वो मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया को छोड़ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की और लिखा, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आशा है आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं इस पोस्ट के जरिए घोषणा कर रहा हूं कि मैं शोबिज की दुनिया छोड़ रहा हूं। इसलिए मैं भविष्य में अब कोई मॉडलिंग और एक्टिंग नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं था मेरे पास और मैंने हार मान ली। मेरे पास कई प्रोजेक्ट्स थे, बस अल्लाह की मर्जी नहीं थी। जरूर कुछ अच्छा और बेहतर अल्लाह ने सोचा होगा मेरे लिए, इंशाल्लाह। तो क्या कहना है आपका हमारी इस स्टोरी को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।